हेलो भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई आज मैं बताऊंगा अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट के बारे में। तो भाई ये जैसा कि हमारी 2013 मॉडल है, बिल्कुल कबाड़ा हुई पड़ी है, एक महीने से हमने इसको हाथ नहीं लगाया। तो जी दिखाऊंगा मैं इसमें क्या क्या दिक्कत आई पड़ी है। तो भाई उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अंत तक देखना। तो भाई आप कंडीशन देख सकते हो, एक महीने से इसको हाथ भी नहीं लगाया। तो आज स्टार्ट करने में इसे इतनी दिक्कत आई थी और एक इसका कार्बेटर निकल गया था, वो भी बताऊंगा भाई। वो तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, कार्बेटर तो इसका बार बार निकल जाता है। जैसे ही हमारी हम किक मारते हैं, किक फ्री हो जाती है, उल्टी आगे होती है तो वो निकल जाता है। तो भाई अब मैं बताता हूँ इसमें क्या कमी आ रही है। एक तो देखो भाई, इसका सॉकेट लीक हो गया है। तो स्टार्टिंग की भी दिखाऊंगा मैं, स्टार्ट कितने किक में होगी। अब कोई पक्की नहीं कह सकता, होने को एक में भी हो सकती है, ना हो तो 10 में भी ना हो। तो देख लो भाई, ये इसकी सीट खराब हो गई है। और भाई एक चीज और है इसमें, अगर इसकी बैटरी डाउन रहेगी ना तो इसका कोई मतलब नहीं, बाइक स्टार्ट हो जाए कैसे भी कर लो, धक्का से कुछ भी हो, नहीं होगी स्टार्ट बिल्कुल। तो भाई कार्बेटर ये हमारा ही यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकलने के बाद कितनी भी किक मार लो, कुछ भी कर लो, स्टार्ट होगी नहीं। तो भाई उसके लिए आप अपना स्क्रू ड्राइवर रखा करो साथ में, बाइक में रख के, क्योंकि ये खोलना पड़ता है, उसके बाद ये लगता है। भाई नई में तो ये हटा दिया है मेरे हिसाब से, नई में तो बंद कर दिया है, पुरानी में तो बहुत दिक्कत देता है। और ये सारी चीज़ ये भी दिखाऊंगा कि ये कितनी वाइब्रेशन होती है बाइक में, कितनी नहीं। तो भाई इसकी कंडीशन देख सकते हो आप, कितनी बुरी हुई पड़ी है। अब इसमें हम काम भी करवाएंगे और जो जो भी काम करवाऊंगा मैं आपको बताऊंगा भी एक एक चीज़ क्या काम करवाया है क्या नहीं। तो भाई इनमें देख सकते हो, इनमें भी जर्सा लगा हुआ है, ये भी अच्छे से साफ नहीं है इसके। और साइलेंसर वगैरह भी देख सकते हो, बुरी कंडीशन हुई पड़ी है बाइक की, बिल्कुल कबाड़ा सा ही हुआ पड़ा है। तो इसमें भाई थोड़े बहुत दिन बाद काम भी करवाएंगे, लॉकडाउन खोलते एलॉय व्हील गिरवाएंगे इसमें। तो भाई एलॉय व्हील की भी दिक्कत है, एक इसमें हॉर्न बहुत हल्का है, वो मैं दिखा देता हूँ बजा के। तो भाई बुलेट का हॉर्न है तो इससे तगड़ी तो इसकी आवाज़ है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब भाई मैं एक बार इसकी स्टार्टिंग दिखा देता हूँ, कैसी स्टार्टिंग है इसकी और कैसी चलने में है। चलने में तो ठीक ठाक है, क्योंकि भाई इसलिए नहीं चल पा रही है, हमारे यहाँ की जो सड़क है वो घनी टूट गई है, तो उसमें तो ये ख़राब ही होगी और ज़्यादा। अब वो जब तक सड़क सही नहीं होगी इतने इसे चला नहीं सकते हम अच्छे से। तो पहले वो बन जाए रोड हमारा, फिर देखेंगे इसे। और देखो भाई इसमें और ये कमी देखो, इनमें अंदर कैसी कंडीशन हुई पड़ी है, पीछे से मैले मैले से हुए पड़े हैं। और यहाँ से जो ये हमारा ऑयल आता है, ये पटाखे वगैरह छोड़ने से आता है। तो इसकी क्लच वगैरह देखोगे भाई, वो तो बिल्कुल सही काम कर रही है। और ये जैसे हमारी पासिंग लाइट है, इसका भी बल्ब दिखा देता हूँ मैं आपको ऑन करके, तो ये भी हमारा सही ऑन हो रहा है। तो भाई इसमें जब ये हमने खड़ी करी थी, बिल्कुल सही खड़ी करी थी, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बटन वगैरह सब काम कर रहे हैं और ये हेडलाइट्स के। और भाई जो ये हमारा सेल्फ है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये काम ही नहीं कर रहा। जब तक मोटरसाइकिल आई थी उसकी वारंटी, जब तक ही सेल्फ सही काम करता है, उसके बाद किसी भी बुलेट का मैंने सेल्फ ही काम नहीं करता देखा। तो भाई अब मैं एक बार ये और दिखा देता हूँ। भाई देख लो इसकी ऊपर की लाइट, एक लाइट तो ऑन हो रही है और दूसरी लाइट हमारी ऑन नहीं हो रही। तो एक ये दिक्कत भाई, जब ये खड़ी करी थी बिल्कुल सही थी तो, और अब इसके इंडिकेटर भी कोई सा भी काम नहीं कर रहा, एक भी इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा इसका। पता नहीं इंडिकेटर में क्या दिक्कत आई है, इसके स्विचेज में गंदगी आ गई होगी, उसे साफ करवा देंगे तो ये तो शायद सही भी हो जाए। तो भाई इनका पता नहीं लाइट का, खड़ी खड़ी का क्या ख़राब होना, पता नहीं ये कैसे ख़राब होगी। और ब्रेक वगैरह तो सही काम कर रही है इसकी, अगली ब्रेक भी डिस्क है, ABS तो नहीं है, डिस्क ब्रेक है, पर सही काम कर रही है। और पीछे की ब्रेक है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही, मतलब टायर वगैरह तो स्लिप ले ही नहीं रहे, हल्की सी ब्रेक हल्की सी मानती है, रुकती है बस, ऐसा नहीं कि टायर को बिल्कुल जाम कर दे। तो भाई ये एक दिक्कत ये है। और जो एक पीछे की लाइट है हमारी, ये भी ऑन नहीं हो रही, ये भी शायद ख़राब हो गई है, ब्रेक लाइट वगैरह ये सब कुछ काम करवाएंगे हम इसमें जब इसे एजेंसी में ही। तो भाई बुलेट का काम तो एजेंसी में ही करवाना चाहिए, बाहर करवाओगे तो वो ये दिक्कत आती है फिर। ये सॉकर हमने करवाया था बाहर, भाई ये नहीं चला 10-15 दिन भी।
अब एजेंसी में काम करवाएंगे और मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या खर्चा है। तो अब दिखा देता हूँ भाई मैं एक बार इसकी स्टार्टिंग। तो भाई देखते हैं इसे स्टार्ट करके कितने किक में स्टार्ट होगी कितने में ना। तो भाई एक इसमें बैक बहुत तेज मारती है, बैक टूटने का डर होता है, उससे भी अपने सावधानी से किक वगैरह लगनी चाहिए। स्टार्टिंग देख ली भाई, ये स्टार्टिंग है इसकी। आवाज सुन सकते हो भाई, आवाज तो ऐसी है कोई भी साइड में से निकलेगा वो देखेगा जरूर बुलेट जा रही है। तो ये चीज तो बहुत बढ़िया है इसके। अब एक बार चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो कोई आवाज नहीं है, एक इसमें वाइब्रेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। देख लो भाई पूरा वो हल रहा है पीछे से। देखना चाहिए और ये भी ठीक करनी चाहिए जो वाइब्रेशन की दिक्कत है इसमें। इंजन बहुत बड़ा है इसका। अब देखते हैं चला के। तो भाई आप इसकी आवाज सुनना, मैं देखता हूँ कितनी दूर तक इसकी आवाज आती है। भाई आपने सुन ली बुलेट की आवाज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।